नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं हावड़ा से आनंद विहार के बीच चलने वाली हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल युवा एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए और साथ साथ डेली रेलवे न्यूज के लिए। तो चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। बात की जाए हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल युवा एक्सप्रेस की, तो ट्रेन नंबर ऑपरेट करती है 12249 12250। ये ट्रेन हावड़ा जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से आनंद विहार टर्मिनल जो पड़ता है न्यू दिल्ली में, इसके बीच चलती है। ये एक वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा देखरेख करी जाती है। ये करीबन 5 स्टेट्स कवर करती है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी और दिल्ली को। अगर दोस्तों इसकी हिस्ट्री में जाएं तो युवा एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस करी गई थी 2009-2010 के रेल बजट में, हमारे उस टाइम की रेलवे मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, उनके द्वारा। और इसी के साथ साथ दुरंतो एक्सप्रेस का भी उसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये जो ट्रेन जब बनाई गई थी दोस्तों युवा एक्सप्रेस, तो युवा का मीन्स क्या होता है, युवा मतलब होता है यंग। तो ये यंग पीपल्स के लिए ट्रेन बनाई गई थी, मतलब कि स्टूडेंट्स हो या 18 से 45 के एज के ग्रुप के लोग हो, वो थर्ड एसी का लुफ्त उठा सके, वो भी कम पैसों में। तो उनके लिए ट्रेन बनाई गई युवा एक्सप्रेस। तो इसका जो रखा गया फेयर वो दुरंतों से बहुत कम था एज कम्पेयर टू दुरंतों से। तो ये ट्रेन जो थी 2009 में स्टार्ट हुई थी। ये ट्रेन दो रूट के चलाई गई थी दोस्तों, हावड़ा से न्यू दिल्ली के बीच में, मतलब आनंद विहार, और दूसरा मुंबई, हावड़ा और मुंबई के बीच में। तो ये दो ही ट्रेन चली। ये जो ट्रेन होती है दोस्तों, पहले इसके अंदर 60% ट्रेन रिजर्व होता है दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोअर ग्रुप्स के लोग होते हैं, मान के चले एससी ओबीसी के कोस्ट होते हैं, उनके लिए होती है। और जो 18 से 45 ग्रुप के लोग, मतलब एज के पीपल है, उनके लिए भी इसमें 60% सीट्स जो है रिजर्व होती है पहले से ही। तो अगर आप इस ट्रेन में अगर आप बुकिंग कराते हो, जो मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, अगर आप बुकिंग कराते हो इसके अंदर, तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा टिकट बुक कराते समय भी और अंदर ट्रेन के अंदर भी, कि आप 18 से 45 के एज के हो या आप स्टूडेंट हो या जो हो, वो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो इसके करीबन 5 स्टॉप्स हैं। डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1447 किलोमीटर का। इसके क्लासेस की बात की जाए तो ICF रेक्स इसमें शेयर होते हैं, जैसे गरीब रथ में शेयर होते हैं। इसके अंदर भी ग्रीन कलर का होता है। इसमें 10 AC चेयर कार का यूज़ होता है, 6 थर्ड AC, 2 सेकेंड AC और 2 EOG का यूज़ होता है। इसके अंदर पेंट्री कार का यूज़ नहीं होता। ऑपरेटिंग स्पीड की बात की जाए तो 82 kmph मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट स्पीड है और 120 to 130 kmph मैक्सिमम है। उसके बाद अगर इसकी हम रूट्स या हॉल्ट की बात की जाए तो हावड़ा जंक्शन से निकल के आसनसोल जंक्शन, धनबाद जंक्शन, मुगल सराय जंक्शन, अलाहाबाद जंक्शन, कानपुर सेंट्रल होते हुए आनंद विहार टर्मिनल पहुंचती है। लोकोमोटिव की बात की जाए, वेब 7 का लोकोमोटिव इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है, बट कभी कभार वेब 1 का लोकोमोटिव भी हावड़ा शेड का यूज़ हो जाता है। टाइमिंग्स की बात की जाए तो 12249 जो है वो हर सैटरडे के दिन हावड़ा से शाम में 6:40 पर निकलती है और अगले दिन आनंद विहार 11:20 पर पहुंच जाती है सुबह। फिर 12250 जो है रिवर्स डायरेक्शन में आनंद विहार टर्मिनल से हर संडे के दिन शाम में 7:50 पर निकलती है और अगले दिन हावड़ा दिन में 12:40 पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना। और दोस्तों इसके एक नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी की युवा एक्सप्रेस की, तो वो जरूर इसकी वीडियो को देख